हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक टेक्निकली रहा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने एमएस वर्ड की फ़ाइल को जेपीजी फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से एमएस वर्ड की एक फ़ाइल ओपन की है, जिसमें मैंने कुछ कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के रिलेशनशिप के बारे में लिखा है। अब मेनली देखिए, अगर आप किसी भी फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। या तो उस फाइल को सिलेक्ट करके या उसका साइज़ रिड्यूस करके, जैसे मुझे इस पूरे पेज का स्नैपशॉट चाहिए, मीन टू से जेपीजी फॉर्मेट चाहिए, उसके लिए हम इसका स्नैपशॉट क्लिक कर लेते हैं। अगर आप विंडो 8 से लेकर विंडो 10 के बीच में स्नैपशॉट लेना चाहते हैं, उसके लिए कंट्रोल देन प्रिंट स्क्रीन करेंगे कीबोर्ड से। ये देखिए स्नैपशॉट आ गया है। फर्स्ट मेथड तो ये होता है किसी भी फाइल का स्नैपशॉट लेने के लिए या किसी भी वेब पेज का स्नैपशॉट लेने के लिए। अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करना चाहें, उसके लिए हम यूज़ करेंगे स्निपिंग टूल। सर्च बार में जाइए, यहाँ पर फिल कर दीजिए स्निपिंग टूल, क्लिक कर दीजिए। देन यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा स्निपिंग टूल का, यहाँ न्यू पे क्लिक कर दीजिए। जब आप न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, जितने आपको एरिया का स्नैपशॉट चाहिए सेलेक्ट कर लीजिए। देन आफ्टर डैट फाइल को सेव कर लीजिए। यहाँ आप फाइल को सेव करके उसका नाम वगैरह दे दीजिए, देन आफ्टर डैट सेव कर दीजिए। अब देखिए, ये दो मेथड्स तो मैंने यूज़ किए किसी भी फाइल को जेपीजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अब देखिए, जब जो मैंने स्नैपशॉट अभी क्लिक किया, अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूँ जेपीजी में, तो उसके लिए यहाँ पर मेरा स्नैपशॉट गया, मैं जहाँ जा रहा हूँ यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर का मैंने स्नैपशॉट लिया था, जो मेरी फाइल थी इसको राइट क्लिक किया मैंने, इसको मैं ओपन कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। अब देखिए मुझे इतना पोर्शन चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद क्रॉप में जाएंगे। क्रॉप में जाने के बाद जितना भी मेरा वाइट पेज है उतना मैं सेलेक्ट कर लूँगा, बिकॉज मुझे जो अनवांटेड पोर्शन है वो रिमूव करना है। देन ओके। लेकिन जब हम इसको जूम करते हैं, ये देखिए इसके जो पिक्सल्स हैं वो फट रहे हैं, इसकी क्लैरिटी नहीं इतनी आ रही। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जो क्लैरिटी है मेरी एज इट इज़ आए, जैसे मेरी करंट फाइल में शो कर रहा है। तो उसके लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे, उसका नाम है कुटोस टूल्स। फ़िलहाल ये मैंने यहाँ ऐड किया है पहले से। आप क्या करेंगे, अगर आपके सिस्टम में फ़िलहाल तो ये इंस्टॉल्ड होगा नहीं, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा। व्हाट्सअप नंबर में आप लिखेंगे अपना नाम, देन डाउनलोड लिख देंगे, देन मैं आपको जो कुटोस टूल्स का फुल वर्जन का लिंक है वो आप मैं सेंड कर दूंगा। देन वहाँ से आप उसको क्लिक करके डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके ऑटोमेटिक ये दो टैब्स यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएंगे, यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और ये ऑफिस टैब है, इसका भी आपको मैं लिंक दे दूंगा। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है उन यूज़र्स के लिए जो ऑफिस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये सेम आपको एक्सेल में, पावर पॉइंट में और एमएस वर्ड में, और जो भी आप इनपो पाथ यूज़ करते हैं, ग्रूव यूज़ करते हैं, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाएंगे जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। नाउ अब देखिए, ये जो मेरी फ़ाइल, अब इसको ईमेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आप जाएंगे कुटोस प्लस पे, कुट टूल्स प्लस में। जब आप इसको कुटूल्स प्लस में चले गए, देन उसके बाद यहाँ पर देखिए आ रहा है डॉक डॉक्स मर्ज देन सॉन। आप फर्स्ट पे जाएंगे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ सेकेंड लास्ट ऑप्शन है एक्सपोर्ट डॉक एज इमेजेस। आप टेबल को भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इमेजेस को भी कर सकते हैं। फिलहाल ये जो मेरी फाइल है डॉक की, इसको मैं इमेज में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, उस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आपका पाथ मांग रहा है कि आप जो फाइल कन्वर्ट करेंगे कहाँ पर सेव करना चाहते हैं, और यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन चूज़ कर लीजिए। फिलहाल मुझे जेपीजी चाहिए। पेज का साइज़ ओरिजिनल चाहिए या करंट चाहिए, मुझे ओरिजिनल साइज़ चाहिए। यहाँ से इसको चेक मार्क को हटा दीजिए, देन इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए। जब आप इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, ये जो मेरी पूरी फाइल है, देखिए यहाँ तो मैंने फ़िलहाल करंट वन पेज ले रखा है जिसमें मैंने टेक्स्ट लिखा है। अगर आपके ज़्यादा पेजेस हों तो आपका वहाँ कन्वर्ट हो जाएगा जितना भी आप कन्वर्ट करना चाहें। तो ये देखिए जो मैंने फ़ाइल को कन्वर्ट किया, फ़िलहाल ये है, इसको मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ ओपन करने के लिए। जब आप इसको ओपन करेंगे, जो आपकी क्लैरिटी सेम इस वर्ड की फ़ाइल के अंदर थी, वही क्लैरिटी आपको ये जो मैंने अभी फाइल जेपीजी में कन्वर्ट की है उसके अंदर मिलेंगी। उसके पिक्सल्स बिल्कुल नहीं फटेंगे, बिकॉज़ क्यों नहीं उसके पिक्सल्स फटेंगे, बिकॉज़ जो मैंने फ़ाइल का कन्वर्जन किया वो एक ओरिजिनल साइज़ का किया है। तो फिलहाल यहाँ ओपनिंग के लिए थोड़ा टाइम ले रहा है मेरा सिस्टम। ये देखिए जो इसकी क्लैरिटी है, कहीं देखिए ब्लर नहीं हो रही, क्लैरिटी उतनी की उतनी है जितनी मेरे एमएस वर्ड की फ़ाइल के अंदर थी। ये देखिए पूरी की पूरी क्लैरिटी है, कहीं भी पिक्सल्स फट नहीं रहे। लेकिन अगर आप स्निपिंग टूल का यूज़ करते हैं या यूज़ करते हैं स्नैपशॉट का, उससे आपके जो फ़ोटो की क्लैरिटी है वो रिड्यूज़ हो जाती है और पिक्सल्स फटते हैं। तो फिलहाल ये टूल यूज़ करके देखिए, और भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर सब टूल्स हैं, वो भी आपको मैं थोड़े से बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं।
देखिए सबसे पहले तो कंट्रोल्स टूल्स में आप अपनी फाइल को यहीं से रीनेम कर सकते हैं। यहाँ रीनेम कर दीजिए फाइल का नाम। यहाँ पर देखिए जो मैंने ऑफिस टैब इंस्टॉल किया वहाँ आ रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर, मैं दे रहा हूँ एंड सॉफ्टवेयर। आप ऐसे फाइल का नाम डायरेक्टली यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको सेव एज करने की ज़रूरत नहीं है। जब वो ओके कर देंगे देन ये देखिए कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहीं पर हो गया। यहाँ से आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। स्नैपशॉट मीन टू से कि जैसे देखिए यहाँ पर करंट मेरी ये फाइल है, इसको मैंने यहाँ से टेक स्नैपशॉट कर लिया। जब मैंने टेक स्नैपशॉट कर लिया यहाँ पर एक स्नैपशॉट ऐड हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ये पोर्शन रिड्यूस कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। नाउ अब ये पोर्शन मेरा गलती से इरेज हो गया, मैं वही पोर्शन चाहता हूँ जो मेरा पहले से था। उसके लिए स्नैपशॉट पर जाइए, ये जो मैंने पहले इसका स्नैपशॉट ऐड किया था इसको क्लिक कर दीजिए, देन इसको रिस्टोर कर लीजिए। यस देन जो भी आपने पोर्शन वहाँ से डिलीट किया था ऐसे आप उसको रिकवर कर सकते हैं, रीलोड कर सकते हैं फाइल को। मोर में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है, पूरी आप फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, करंट फाइल को आप कॉपी कर सकते हैं, देन सो ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑटो रिकवरी क्वेश्चन भी दे सकते हैं, इमेजेस यहाँ से आप गेट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ऐसे इंसर्ट टाइम में होता है, देन सो ऑन। यहाँ से जो स्पेसिंग है यहाँ पैराग्राफिक को भी रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ देखिए काफ़ी स्पेसिंग है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए पैराग्राफ स्पेसिंग, यहाँ से कर दीजिए रिमूव पैराग्राफ स्पेसिंग बिफोर, ओके कर दीजिए। आफ्टर से करना है आफ्टर से कर दीजिए। ये देखिए जब मैंने आफ्टर से किया कितना ज़्यादा जो गैप था मेरा इनके बीच में वो सारा रिमूव हो गया। नाउ एक इसका मुझे और बहुत अच्छा ऑप्शंस लगा, वो फिलहाल हम कट टूल्स प्लस में देखेंगे। ब्रेक्स एंड डेंट्स वही टैब जो उसमें अवेलेबल हैं, पेजेस वगैरह आप देखना चाहें इवन नॉट वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं, करंट पेज पे जाना चाहें वो सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। फिलहाल इसमें वन नॉट पेज है, इवन कोई नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज मैंने पेज ही एक ले रखा है। ये देखिए जीरो इवन पेजेस, वो अभी आप शो कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी फाइल को, पैराग्राफ मार्क्स को इन सभी के अकॉर्डिंग, देन सॉन लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, टेबल टू टेक्स्ट कर सकते हैं, टेबल टू स्पेस कर सकते हैं। फोटोज टूल्स प्लस में देखते हैं एक्सपोर्ट, ये आपको मैंने ऑप्शन बता दिया। अपनी फाइल को स्प्लिट कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं डिफरेंट फाइल्स को, और डॉक डॉक्स को कर सकते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, उनमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है किसमें आप कन्वर्ट करना चाहें, डायरेक्टली यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एम एस ऑफिस 2007 का यूज़ करते हैं तो आपको पता है उसमें आपको एड ऑन डाउनलोड करना पता है, लेकिन इसमें एड ऑन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, बाई डिफ़ॉल्ट इसमें आपको मिलेगा। देन उसके बाद यहाँ से मल्टीपल कैप्शंस लगा सकते हैं, यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं कैप्शन, फिगर्स, इक्वेशंस को। फिलहाल एक जो और अच्छा मुझे इसका फंक्शन लगा वो है क्रिएट हाइपरलिंक्स। अब देखिए मैं चाहता हूँ जिसके इसमें जितने भी सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं अगर मैं उस पर क्लिक करूँ तो मेरा एक लिंक ओपन हो जाए, तो उसके आप जाएंगे क्रिएट के ऊपर, क्लिक कर दीजिए। किस वर्ड के ऊपर आपने लिंक लगाना है, मैंने लगाना है सॉफ्टवेयर के ऊपर। और कोई स्क्रीन टिप देना चाहें, मैं फ़िलहाल सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर दे रहा हूँ, नहीं देना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन जब आप इस पर क्लिक करें तो कौन सा लिंक खुले, तो मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ google.com। जब देखिए मैंने यहाँ पर वेब पेज कर लीजिए, फोल्डर का भी लगा सकते हैं आप, जो भी आप लगाना चाहें। ये देखिए पाथ दे दीजिए फोल्डर का, फिलहाल मैं यहाँ पर वेब पेज दे रहा हूँ, देन ओके कर दीजिए, देन ओके कर दीजिए। जब देखिए ओके कर देंगे यहाँ पर देखिए फाइल में जितने भी मेरे सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं लिखे हुए उन सभी का लिंक आ गया। ये देखिए आ रहा है क्लिक टू फॉलो लिंक, जैसे आप यूज़ करते हैं विकिपीडिया या और भी कई आपने वेबसाइट देखे होंगे उनके पर्टिकुलर टेस्ट के ऊपर लिंक लिखा होता है, लगा होता है, वहाँ से आप क्लिक करके पर्टिकुलर लिंक पे जंप कर सकते हैं। वैसे आप लगा सकते हैं, अगर आपने कोई टेबल इंसर्ट किया है उसके बीच में रो कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना सॉन। सो फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे टूल्स हैं उनके लिए जो ऑफिशियल वर्क काफ़ी ज़्यादा करते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव करते हैं। सो इन टूल्स का यूज़ करके देखिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और ये टूल्स का लिंक जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको मैं इस वीडियो के एडिशन में एक व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, उस पर आप अपना नाम सेंड करिए, देन वहाँ पर सेंड करिए मुझे मैसेज, सेंड डाउनलोड लिंक ऑफ कुटोज टूल्स, डाउनलोड फिल कर दीजिए वहाँ पर सेंड कर दीजिए, देन मैं आपको लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके ऑटोमेटिक यहाँ पर टैब्स ऐड हो जाएंगे, इंसर्ट हो जाएंगे। जब हम इनका यूज़ करेंगे कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं हमें बताइए, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।